डिप्रेशन के पांच प्रमुख कारण, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। 10-15% लोग डिप्रेशन से सफर होते हैं और अलग अलग अभ्यास में यह पाया गया है कि डिप्रेशन यह आम आदमी को भी होता है और कभी ना कभी कोई व्यक्ति उसके लाइफ में डिप्रेस पाया जाता है। और वो जो हमने पकड़ लिया रेशो कि भाई कभी ना कभी डिप्रेशन आता है किसी को और बाद में वो अच्छा भी हो जाता है, नॉट नेसेसरी कि उसने दवाई ली या नहीं, तो फिर वो आंकड़ा जो है 25-30% लोगों को डिप्रेशन आता है कभी ना कभी उनके जीवन में। अभी डिप्रेशन एज ए इलनेस कि भाई बीमारी है और डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो उसके पांच प्रमुख कारण हम देखेंगे। एक है नंबर वन, पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। यदि आपके माँ बाप डिप्रेशन से पहले कभी अफेक्टेड थे या है तो बच्चों को डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फैमिली का बहुत असर होता है। जीन्स का कितना रोल है स्पेसिफिक अभी मालूम नहीं, मगर आंकड़े ये बताते हैं कि यदि माँ और पिताजी में से कोई व्यक्ति को डिप्रेशन है तो फिर 4 में से 1 बच्चा, मतलब 25% चांसेस हो सकते हैं कि उसको डिप्रेशन हो जाएगा। नंबर दो, शारीरिक बीमारियाँ। अब शारीरिक बीमारियाँ जो उससे भी डिप्रेशन होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना, मेनोपॉज होना मतलब साइकिल्स बंद हो जाना, फिर लेडीज़ और जेंट्स में हार्मोन्स के बदलाव बहुत ज़्यादा होना या हार्मोन्स की कमी होना, लाइक थायराइड हार्मोन की कमी है, या डायबिटीज़ मेलिटस है, शुगर ज़्यादा हुई है या शुगर बहुत ही कम हुई है, या फिर कैंसर जैसी बीमारी हुई है, तो इसके भी वजह से डिप्रेशन होता है। नंबर तीन जो है कि शराब का अति सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जिससे बहुत हाई हो जाता है, गांजा, कैनाबीज, ब्राउन शुगर, इसका सेवन, तंबाकू, इसका सेवन, तो इससे भी होता है। और कई ऐसी कोई दवाइयां हैं एलोपैथिक मेडिसिन की जिससे लिया जाता है और कोई बीमारी के लिए, मगर उससे डिप्रेशन होता है, तो वो हम उस समय समझो ऐसा लगता है कि भाई ये दवाई से डिप्रेशन आ रहा है तो हम दवाई बदल सकते हैं। चौथा जो कारण है वो है व्यक्तिमत्व, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। लाइक कुछ लोगों का व्यक्तिमत्व बहुत ही चिंता वाला होता है, बहुत स्ट्रेस लेते हो थोड़ी भी बात का, उनका खुद का सेल्फ एस्टीम जो है, खुद के बारे में एक इमेज, स्व प्रतिमा, वो बहुत कमज़ोर रहती है। कुछ लोग परफेक्शनिस्टिक रहते हैं कि बहुत ही परफेक्ट काम करना, और वो लोगों के आलोचना को बहुत ही सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब किसने कुछ बोल दिया उनको बहुत लग जाता है मन को, तो ऐसे लोग ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। पाँचवा जो कारण है वो है घटना है, लाइफ इवेंट्स, कि जॉब में बहुत तकलीफ है, स्ट्रेस है, तनाव है, जॉब नहीं मिल रहा है, रिश्ता जो है वो बराबर नहीं है, ठीक नहीं आपके रिश्ते, जॉब में बहुत तनाव है, जॉब ट्रांसफर हो गई है, प्रमोशन हो गया, इससे भी डिप्रेशन आता है। अकेलापन महसूस करना, फिर डिवोर्स लेना, तलाक लेना, घर में किसी की मृत्यु होना, तो ऐसे लाइफ इवेंट जो है वो भी कारण होते हैं डिप्रेशन के लिए। बाकी जो कारण है कि भाई केमिकल इम्बैलेंस, वो तो प्रूव है कि मेजर डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन में केमिकल्स जो है, फील गुड हॉर्मोन्स, उनकी कमी पाई जाती है, जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन जैसे हॉर्मोन्स है, तो हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाता है, कमियां होती है, उस समय हम दवाई देते हैं तो 8-10 दिन में ड्रामेटिकली फर्क हो जाता है। और बाकी जो अलग अलग जो बिना हॉर्मोनल डिप्रेशन है, मतलब बिना हॉर्मोन्स के, बिना केमिकल चेंजेस के डिप्रेशन है, जिसको माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं, उसके लिए दवाई नहीं लिया तो भी चलता है, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से उपचार हो जाता है। मगर जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उसको दवाई की जरूरत होती ही होती है। कभी कभी डिप्रेशन में सुसाइडल विचार यदि ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिक शॉक का भी सोच सकते हैं, और इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी देना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है जब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। ये भी आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। डिप्रेशन बहुत ही आम बीमारी है, डिप्रेस लोग फील होते रहते हैं, फील करते रहते हैं, उनको यदि प्रॉपर दवाई मिलती है, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम की, और एक अच्छा आनंदमय जीवन लोग जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और
उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।